स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। 14 जनवरी की शाम को अलीगढ़ से हाथरस पहुंची कोरोना वैक्सीन। कॉल चैन प्रभारी धनी सिंह पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 7,350 डोज कोरोना की लेकर हाथरस पहुंचे। 16 जनवरी से हाथरस में वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 जनवरी को वह सादाबाद के सरकारी अस्पताल में आई। पहले चरण में कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अस्पताल के आई सर्जन चिकित्सक नीरव के अनुसार कोरोना काल में उन्होंने तमाम समस्याओं का सामना किया है। चिकित्सक नीरव इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि उनको कल वैक्सीन लगाई जाएगी। सादाबाद के लिए वैक्सीन की 110 डोज लगाई जाएगी। वैक्सीन पुलिस की कड़ी निगरानी में रखी जाएगी। नीरव शर्मा, कहाँ काम करते हैं आप? समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद सेक्शन में हूँ। डॉक्टर साहब, कल वैक्सीनेशन हो रहा है जिसमें आपका नाम भी है। हाँ। और तो आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं राष्ट्र के साथ हूँ, है ना, देश के साथ हूँ। ये वायरस की वजह से जो भी परेशानियाँ आई उसकी मतलब वैक्सीन से हम सिक्योर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जब से कोरोना आया है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी का, कोई हमारा तो वर्क है सेवा करना। भाई हम इस ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं कि समाज सेवा करना है, है ना। तो जब कोरोना आया था, जब आप घर पे भी नहीं जा पाते होंगे, बच्चों से नहीं मिल पाते होंगे, चाहकर भी अपने लोगों से नहीं मिल पाते होंगे, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, ये हमारे मतलब पार्ट है, हमारे वर्क का पार्ट है। तो जिस परिस्थिति है, परिस्थितियों के हिसाब से तो चलना चाहिए, ये मानवता भी यही कहती है। कल आपको वैक्सीन लगेगी तो आपको बहुत खुशी होगी। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरा तो मैं खुद लगवाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सभी लोग इसको लगवाएं। थैंक यू सर। मेरा नाम साहब सिंह है। डॉक्टर साहब, कल पहले चरण में वैक्सीन लगेंगी तो कितनी वैक्सीन सादाबाद के लिए आई हैं? सादाबाद के लिए 110 डोजें आई हैं। और किन किन लोगों को लगेंगी वो? ये केवल हेल्थ विभाग के लिए लगेगी।